अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समरीन कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। आइए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे 6 अंडे ले लिए, 1.5 कप हमने ले लिया है कोको पाउडर, 2 कप हमने ले लिए हैं मैदा, 1/2 कप हमने तेल लिया है, 1 कप हमने, 1 कप से थोड़ा कम हमने दूध ले लिया है, 1 चम्मच भर के हमने सोडा लिया है, 1 चम्मच भर के हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1 कप हमने लिया है शक्कर। तो अपने सारी चीज़ें को एक बाउल में डालेंगे। हमने यहाँ पर एग डाल दिया है, कोको पाउडर, अगर आप थोड़ा कम बनाना तो थोड़ा कम ले, 1/2 कप ले ले, और मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहती हूँ केक, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लिया है। अपना मैदा डाल देंगे, मैदा डाल दिया है हमने, शक्कर डाल दिया है, दूध, दूध हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। सोडा, ऑयल डाल दिए, बेकिंग पाउडर, यहाँ हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। आप भी डाल दीजिएगा 1/2 कप पानी अगर बैटर, अगर बहुत ठीक हो तो आप पानी डाल दें, अगर नहीं है तो आप पानी ना डालें। हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ना बहुत थिक है ना ही बहुत थिन है, ऐसा ही होना चाहिए। हमने केक टिन ले लिया है और हमें इसी साइज का बटर पेपर काट के लगाना है। अब हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। हमारा केक रेडी है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम इसको इसकी दूसरी साइड भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है ये। हमने 2 पीसेस बनाई थी, एक ये हमने बनाया है, इसकी साइड्स को आप भी देख सकते हैं, और हम इनके ऊपर वाले साइड्स को कट कर लेंगे। हमने इसके साइड्स को कट कर लिया है, देख सकते हैं आप हमने 3 पीसेस में इसको काटे हैं और ऊपर वाला पार्ट भी काट लिया और साइड्स भी कट कर लिए हैं। यहाँ हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, ये चिल्ड है एकदम, आपको आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लें। यहाँ हमने अपने बोल को फ्रीज में डाल दिया था, इसको अभी अच्छे से फ्रीज करना है, उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम भी हमारी एकदम चिल्ड है, आपको भी एकदम चिल क्रीम लेनी है। अब हम इसे व्हिप करते हैं। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप मिक्सी से भी इसे व्हिप कर सकते हैं। हमने इसे 5 मिनट तक लगातार बीट किया है, देख सकते हैं आप। अभी इसे और करना है, 2 से 3 मिनट तक
देख सकते हैं एकदम हो चुकी है। अगर इसमें देख सकते हैं आप पॉइंट नज़र आ रहे हैं और आप अपना बोल भी पलट सकते हैं। अगर इसको पलटने पे नहीं गिरती है आपकी क्रीम तो समझ लीजिए अच्छे से व्हिप हो चुकी है। हमने यहाँ एक कटोरी रख ली है और उसके ऊपर एक प्लेट रखना है ताकि हम केक को अच्छे से असेंबल कर सकें। यहाँ हम चॉकलेट सिरप बनाए हैं। हमने यहाँ पे एक कप दूध ले लिया है, उसमें 3 डेयरी मिल्क डाल के उसको अच्छे से माइक्रोवेव कर लिया ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमने यहाँ अपनी प्लेट पर थोड़ा सा क्रीम लिया है, हमने इसके ऊपर केक रख दिया है। देखो अब जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था उसे लगा लेना है ताकि हमारी केक एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। आप देख सकते हैं ये हो गई एकदम, इसका पॉइंट आप देख सकते हैं। हमने क्रीम डाल दिया है, अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो आप कम डालें, और आपके पास स्पैचुला है तो आप स्पैचुला से इसको अच्छे से क्रीम हर जगह स्प्रेड करें। अब हम इस पर दूसरा बेस लगा देंगे। अब हम फिर से इस पर चॉकलेट सिरप लगा देंगे। दूसरा बेस हमने रख दिया है, आप इनको अच्छे से पानी पिलाइए ताकि ये एकदम सॉफ्ट रहे। इस पे क्रीम रख दी है, आपको फटाफट तीनों लेयर्स पे अच्छे से क्रीम का लगाना है। हमने ऑल ओवर इस पे क्रीम अप्लाई, ऑल ओवर अपने केक में क्रीम अप्लाई कर दिया है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से डेकोर करें। यहाँ इसे चॉकलेट सिरप से डेकोर करेंगे। हमारा केक बनके तैयार है। हम सारी चीज़ें घर की है, हमने कोई चीज़ें बाहर की नहीं ली है। और ये हमने इसके कॉर्नर्स में वाइट चॉकलेट सिरप डाला है और फिर हमने इसे जैम से डेकोर किया है। यहाँ हमने केक लगाए हैं थोड़े थोड़े, यहाँ हमने चॉकलेट डाली है। आप देख सकते हैं केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।